नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो लर्निंग सेंटर में। आज हम देखने वाले हैं पावर स्टीयरिंग का जो मोटर होता है उसको हम कैसे डिसमेंटल करें, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, डिसमेंटल करते हुए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और असेंबल करते हुए क्या क्या सावधानी रखनी है वो हम देखेंगे, और कौन सा ऑयल कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है वो भी हम इसमें कवर करें। तो हम खोलेंगे इसको, ये चार पोर्ट है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहले इसको खोल लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि पंप की लाइन कहाँ से है, टैंक की लाइन कहाँ से है, लेफ्ट साइड में कहाँ से जाएगा, राइट साइड में कहाँ से जाएगा। तो ये चार कैप है, ये हमने निकाल के रख दिया इसकी। उसके बाद ये देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, तो ये जो दब रहा है ना यहाँ पे, ये वाला पोर्ट जो है, तो ये वाला पोर्ट है, ये पंप क्या लाइन है तुम्हारा, कौन सी लाइन है पंप की। ये दो पोर्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, दो वाले इसके सामने, तो ये वाले है टैंक की लाइन, ये इधर से इधर नहीं होना चाहिए, ये पंप की लाइन है तुम्हारी, ये टैंक। और जो पंप के सामने की जो लाइन होती है, पंप के जो सामने की लाइन होती है वो राइट साइड की होती है, ठीक है। और जो टैंक के सामने का जो होता है वो लेफ्ट साइड की होती है। तो ये हो गया पंप का, ये हो गया तुम्हारा टैंक का, ये हो गया तुम्हारा राइट साइड का, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट साइड। ओके, तो यहाँ पे आपको पाइप का कनेक्शन करना है जो तुम्हारा मास्टर सिलेंडर में जाएगा। देखो अभी एक बोल्ट है यहाँ पे, कितने बोल्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 सात बोल्ट है, तो 6 बोल्ट है जो कॉमन है और एक बोल्ट है वो थोड़ा सा अलग है इसमें। तो ये सबसे बड़ा बोल्ट होता है, इसको खोलेंगे अभी हम। देखो ये सबसे लंबा बोल्ट होता है इसमें, इसके अंदर नीचे बॉल भी होती है, वो बॉल हम देखेंगे अभी। बाकी दूसरे जो बोल्ट है ये छोटे नहीं छोटे होंगे, तो जो बाकी के जो 1 2 3 4 5 जो 6 बोल्ट है साइज के होंगे। बोल्ट हमने निकाल लिया, तो टोटल ये 6 बोल्ट है, सेम रहेंगे, और एक बोल्ट है अलग से। तो ये खोलेंगे तो इसका बोल्ट, एक कवर है उसका, कवर प्लेट जो बोलेंगे उसको, और ये ओरिंग को आराम से ध्यान रखना है। तो ये वाला जो है इसको हम मैकेनिकल पंप भी बोलेंगे, कि हमारा जो पावर स्टीयरिंग होता है, जो ट्रैक्टर बंद होता है, ठीक है, इंजन से जब पावर आनी बंद हो जाती है, ऑयल देना बंद होता है, तब ये स्टीयरिंग का काम मैकेनिकल पंप जो है ये काम करता है, तो इसको रोटरी पंप बोलते हैं। तो यहाँ पे काम, ये रोटर इसे निकाल देंगे यहाँ पे हम, इससे ये रॉड है जो स्टीयरिंग को घुमाने में हमें मदद करती है, ये रोटरी पंप का ही पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटर का। उसके बाद इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर ब्लेड इसको बोलेंगे, और यहाँ पे भी एक आपकी ओरिंग लगी रहेगी, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे ऊपर 3 ओरिंग रहेगी, एक ये ओरिंग रहेगी, एक दूसरी ओरिंग यहाँ पे रहेगी, और एक तीसरी ओरिंग यहाँ पे रहेगी। ओरिंग का ध्यान रखना है, फटी वटी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद देखो यहाँ पे अंदर में एक रॉड दिख रही है, दिख रही है रॉड को ही देखने के बाद इसको हिलाना वाला नहीं है, इसको इसी जगह पे रख देना है, अच्छे से आराम से नीचे रखना है यहाँ पे। और पीछे से यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे दो सील है, यहाँ पे एक डस्ट सील है जो ऊपर से जो डस्ट है वो नीचे नहीं जाने देगा, और अंदर में एक ऑयल सील है जो अंदर का जो ऑयल है उसको बाहर नहीं जाने देगा। तो हम दोनों जो सीले है वहाँ पे देखेंगे अभी, ये जो अंदर में स्पूल और स्लीव है ये बाहर निकाले हैं, इसको बाहर निकालने के लिए इसको यहाँ से पुश करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी मैं पुश करता हूँ, देखो ये बाहर आ गया, आराम से ये बाहर आ जाता है। तो ये आराम से इसको घुमा के बिल्कुल प्यार से इसको धीरे धीरे बाहर निकालना है, और जैसे इसको और ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हमें बेरिंग मिलेगा, बेरिंग का पार्ट रहेगा, यहाँ से अंदर से एक बेरिंग का पार्ट है, इसको हम अलग से खोलेंगे, ये स्पूल असेंबली है। और यहाँ पे देखो ये एक सील है यहाँ, ठीक है, और एक बॉल है, बॉल को संभाल कर रखना है, बॉल यहाँ पे जाएगी, और यहाँ पे सील है, वो सील को हम देखते हैं अभी, इसको बोलते हैं ऑयल सील, ये इस तरह से रहेगा ऐसे, आराम से इसमें लगा देना है, ठीक ये रहेगा। और फिर बस इसमें अभी कुछ नहीं है, ये बस इतनी कुछ नहीं है, और ऊपर में ये जो लगी हुई है इसको बोलते हैं हम डस्ट सील। तो बेरिंग है, ये बेरिंग को आराम से देखना है। उसके बाद एक ये रॉड है जो आगे में जाके यहाँ फंसती है, आगे में जाके यहाँ फंसती है, ये भी काम करेगा यहाँ पर अंदर जाकर। ऊपर अभी ये लॉक करने के लिए जम्पर में है, ये इसको आराम से देखते हैं, लॉकिंग प्लेट है लॉक करने के लिए, और अंदर में ये प्लेटें दी है, ये प्लेटों को भी हम खोलते हैं, टोटल 6 प्लेट है,
लॉक के लिए दिया हुआ है, ये से खुलेगा यहाँ पे, लॉक करने के लिए दिया हुआ है। इसको आराम से खोलना है और खोलते हुए याद रखना कि कैसे खुल रहे हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं छीन नहीं रहा हूँ, जैसा है वैसे हाथ में ले रहा हूँ। और ये अंदर से इस तरीके से निकली है, अंदर भी इस तरीके से निकली है, और इसको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई रिपेयरिंग वाला भी कुछ मैटर नहीं है। तो ये अंदर में ये स्लीव है, इसको हम स्लीव बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्पूल। स्लीव और स्पूल इसमें काम करेगा, स्टेप से रहेगा। जब भी काम करोगे ऑयल साथ में लेना, ऑयल से काम होगा। ये पास के अंदर से जिसके रहते हैं ये, इसको स्पूल बोलेंगे, इसको स्लीव बोलेंगे। ये बोल्ट है उसके, ये टॉप कवर प्लेट है, ये डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है, ये मैकेनिकल स्टेयरिंग का हाउसिंग है रोटरी पंप का। ठीक है, रोटरी पंप का ड्राइव हम यहाँ से देंगे, और इसका जो कनेक्शन होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली से जो रहेगा यहाँ पे। उसके बाद ये ऑयल सील है उसका, और ये यहाँ पे चेक वाल का काम करेगा, चेक वाल पार्ट है ये उसमें। और ये कुछ और ये प्लेटें हैं जो इसको स्पूल को और स्लीव को लॉक करने के लिए काम आएगा। और एक ये चैम्फर वाली प्लेट है जो रिंग है उसको हम ये प्लेटें बाहर ना आए इसलिए हम उसको लॉक करने के लिए लगाते हैं। ये हमारे पावर स्टीयरिंग की हाउसिंग है, मेन हाउसिंग इसको हम बोलेंगे। अभी हम इसको असेंबल करना स्टार्ट, तो ये हाउसिंग को साइड में रख के सबसे पहले हम ये असेंबल लेते हैं। तो जब भी इसको पहले साफ कर लो, और हमेशा साथ में डीजल साथ में रखो ताकि ये अच्छे से क्लीन हो पाए। तो सबसे पहले हम इसको अटैचमेंट जो स्लीव है और स्पूल का असेंबल कर लेते हैं इसको। और करने के बाद ये लगाने के बाद फिर हमें लगाने हैं यहाँ पे प्लेटें। प्लेटें को कैसे लगाएंगे, इस टाइप से प्लेटों को लगानी है, बट इसको हम ऐसे लगाएंगे तो लगना मुश्किल है, इसे लगता नहीं है जल्दी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें अंदर की जो दो प्लेट है उसको बाहर कर, ठीक है, और ये जो प्लेट है इसको आराम से लगाना है। ठीक है, इसे आराम से लगाना है, फिर उसके बाद ये जो दो प्लेट है इसको क्रॉस में डालना है इस टाइप से, तो इसको फिर इसके अंदर घुसा, आराम से लग जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, टाइम बचेगा यार। ये तरीका है लगाने का, ऐसे लगाना है। और उसके बाद फिर ये रिंग है इसको लगाना है, रिंग में देखना है कि चैम्फर वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की साइड होना चाहिए, तब ये प्लेटों को यहाँ पे क्या कर देगा, लॉक कर देगा। लॉक हो गया, उसके बाद बेयरिंग लगाना है। ये बेयरिंग में क्या देखना है कि ये वाला जो हिस्सा है ऊपर, ये जो बेयरिंग है इसके बीच में, तो ये बेयरिंग का रिसर है, इसका पार्ट है, दोनों ऐसे जाएंगे। तो आप इसको दोनों में ऐसे लगा सकते हो या इस टाइप से ऐसे भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। इसके ऊपर आएगी फिर तुम्हारी ये ऑयल से, इस टाइप से इसके ऊपर ऑयल से लगा के आपको इसके अंदर इसको डालना है। तो ये आपकी पूरी असेंबली हो गई है स्पूल वाल की, स्लीव पुल वाल और स्पूल। इस पर जैसे आपको रखना है तो इसको आराम से रखो, उसको इस टाइप से रखो कि भाई ये नीचे के साइड में जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो रॉड है ये आपको रखना है यहाँ पे, तो रखने से पहले रॉड को देख लो, रॉड को कहाँ लगा रहे हैं, रॉड जो है यहाँ पे जाने चाहिए। और जैसे आप इसको लगाओगे तो इधर का एरिया साफ कर लेना पहले, ठीक है, कोई कचरा वचरा नहीं होना चाहिए। साफ करने के बाद फिर इसको ऐसे नीचे रखना है, नीचे रखने के बाद आराम से इसको क्या करना है, लगाना है। आराम से लगाने के बाद देखना है कि ये जो रॉड है ये रॉड ऐसे बाहर नहीं होनी चाहिए, अगर ये बाहर आ जाती है तो इन मूलों में फंस जाएगा यहाँ पे। तो कोशिश करना है कि इसको अच्छे से आराम से धीरे धीरे लगाना है, बिल्कुल भी ताकत नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल आराम से जाना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए, ऐसे नीचे में कुछ लगा दे कि जैसे ऊपर ना आए, ठीक है, आराम से बिल्कुल ऐसे रखो। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है इसको लगाएंगे, ठीक है, साफ करके आराम से डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट में कोई सेटिंग नहीं है यहाँ पे, बस आपको देखना है कि ये जो बोल्ट है वो इसमें आराम से लग जाने चाहिए, ये सेटिंग आपको यहाँ पे याद। उसके बाद जो रॉड अंदर है ना उस रॉड में ये जाना चाहिए यहाँ पे, और ये वाला पार्ट है दोनों साइड से सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप लगा रहे तो ओरिंग देख लो पहले, ठीक है, ओरिंग होनी चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों साइड से ओरिंग भी यहाँ पे होनी चाहिए। और इसके बाद फिर यहाँ पे इसको आराम से इसको आपको देखना है यहाँ पे इसको सही से सेटिंग करके, और सभी बोल्ट जो है लाइन में नहीं चाहिए, सभी जो बोल्ट जो है ना वो दिखना चाहिए, अभी आपका सेटिंग है सही हो जाएगा। ये पूरा अच्छे से देखना है यहाँ पे कोई बोरिंग वगैरह सही होनी चाहिए यहाँ पे। इसके बाद में इसको लगाने से पहले आपको देखना है यहाँ पे
तो जो हमारा स्पेशल बोल्ट है उसको जो हमारा पहला जो मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में ये वाला जो हिस्सा है ये पंप के पास रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारी जो लाइन है ये पंप की लाइन है, देख पंप की लाइन दिख रही है, और पंप की लाइन के सामने यहाँ पे ये वाला है बॉल, यहाँ से भी डाल सकते हो यहाँ से भी डाल सकते हो। तो बॉल ये से डलेगी, बॉल ऐसे डलेगी और इसको यहाँ से भी क्या करना है लॉक कर देना है, बाकी के जो बोल्ट है वो यहाँ पे हो जाएंगे। सभी बोल्टों को अच्छे से टाइट कर देना है, ये जो है पावर स्टेयरिंग मोटर का असेंबली है, ठीक है। तो आपको पता है कि जहाँ पे पावर स्टेयरिंग होता है, जहाँ पे ऑयल होता है, वहाँ पे एक रिलीफ वाल होता है। तो ये जो रिलीफ वाल, ये जो पार्ट है इसका, इसको हम रिलीफ वाल बोलेंगे। तो इसका जो प्रेशर होता है वो 110 से 120 बार का होता है। तो जैसे आप भी जब भी आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे एफ थे हुए तो वो नाप लेना है क्योंकि कितना एमएम का है ये, और उतने ही टाइम सेट कर देगा, ठीक है। अभी हम जस्ट देखेंगे इसको कि वो रिलीफ वाल अंदर में कैसे दिखता है और वो कैसे, ये लॉक होता है, इसको अपनी जगह से लाए थे। फिर एक एलिंक लेना, सॉरी ये जो एलिंक लेना है 6 नंबर की एलिंक से ये खुल जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे निकालना है, ठीक है, खोल के ये पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, और इसको ऐसे नीचे का आपको देखो इस टाइप से। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको हम बोलेंगे रिलीफ वाल। तो इसका ये इसका रिलीफ वाल है और इसका जो प्रेशर रहेगा वो 110 से 120 बार का है। सीट है, स्प्रिंग डाला हमने, ठीक है, स्प्रिंग डालना है और इसको यहाँ पे लॉक करना है। इसको लॉक करने के बाद यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक ओरिंग है, ओरिंग का ध्यान रखना है, कटी उटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लगाने के बाद फिर इसको कराना है, यहाँ पे टाइट कर देना है। कितना टाइट करना है वो डेप देखना है, या फिर यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, 9 से 10 चूड़ी यहाँ से टाइट हो जाए चाहिए, तो ये अपनी जगह पे बैठ जाता है। पावर स्टीयरिंग मोटर रेडी हो गया है, ठीक है। अभी इसमें यहाँ पे धूल कचरा मत जाए इसलिए ये कैप है, कैप लगा लो, ये इसका अंदर जाने का बाहर जाने का पॉइंट है इसमें, ठीक है, कैप लगा देते हैं। फिर आपका जो पावर स्टीयरिंग का जो असेंबली है वो अभी कम्प्लीट हो गया है।